नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि हम गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए। इसमें जो सैलरी रहेगी बहुत ही अट्रैक्टिव है, 41,000 के आसपास आपकी सैलरी इसमें आपको मिलेगी। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या जॉब क्राइटेरिया रहेगा, किस डिपार्टमेंट में ये जॉब आई है, कितनी सैलरी रहेगी, ठीक है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, तो ये सब डिटेल नोटिफिकेशन आप जो है हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसका ये डिटेल नोटिफिकेशन है, ये जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में ही आई है, ठीक है। इसमें जो है जो वैकेंसी है ये किसमें आई है, किस पर में, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में आई है। इसमें जो वैकेंसी है लगभग जो वैकेंसी है वो कितनी है आपकी, 50 के आसपास वैकेंसी, 49 वैकेंसी आपकी आई है। जो ये 27 वैकेंसी है ये आपकी यूआर कैटेगरी की है, ये आपकी ईडब्ल्यूएस की है और ये आपकी ओबीसी की है वैकेंसी, और ये 2 वैकेंसी आपकी किसकी है, एसटी की है। किसकी है, एसटी की है। तो टोटल वैकेंसी है 49, एससी के लिए कोई वैकेंसी इसमें नहीं है। ये जो पोस्ट नेम है इसका पोस्ट नेम है शिविर सहायक, ठीक है, शिविर सहायक की ये वैकेंसी ग्रेड पे आपका थर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसका जो सैलरी रहेगी वो सैलरी रहेगी अप्रोक्स 40,000, ग्रेड पे तो आपको 27,200 से लेके 86,000 तक है। इसमें अन्य भत्ते भी शामिल रहते हैं, तो आपको पता ही है कि एचआरए और टीएडीए मिलाकर के इन हैंड अगर आप कोई भी सुविधा नहीं लेते हैं, जैसे कि आप हाउस नहीं लेते हैं और सारी चीजें नहीं लेते हैं, तो जो इन हैंड सैलरी आनी है, कटवाते नहीं है सैलरी, तो वो आपके आसपास करीब 48,000 के आसपास आपके इन हैंड आएगी। आगे चलते हैं इसमें। हाँ, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं आप देखते हैं। चलिए, इसकी जो अनिवार्य अर्हता है वो स्नातक में है, ठीक है। इसमें जो है टाइपिंग की जो शॉर्ट हैंड चाहिए आपका, ठीक है। शॉर्ट हैंड एक तो होता है टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग टंकड़ होता है, और एक होता है शॉर्ट हैंड आशु लेखन। तो हिंदी आशु लेखन मांगा है आपका 60 वर्ड का इसमें, ठीक है, 60 वर्डों का मांगा है, और जो हिंदी टाइपिंग मांगी है वो 30 वर्ड पर मिनट की मांगी है। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप ग्रेजुएशन हो, आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो 60 की स्पीड हो और हिंदी की टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट की हो। अब आगे चलते हैं, लिखित परीक्षा में क्या आएगा। तो ये लिखित परीक्षा है आपकी, उसमें देखें हम लोग। हाँ, जैसे देखो पहले तो क्या होगा आपका, लिखित परीक्षा होगा, फर्स्ट चयन प्रक्रिया गया, लिखित परीक्षा और टंकण रहेगा। तो देखो फर्स्ट भाग में क्या रहेगा, तो वही कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं आपके, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन में 1/4 की नेगेटिव रहेगी और 50 अंकों की यह परीक्षा रहेगी, ठीक है। अब आगे बात आती है, कंप्यूटर ज्ञान में कम से कम 20 अंक प्राप्त करने, मतलब 50 में से 20 नंबर आपको जरूर लाने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आपकी आ जाती है सीवीटी की लिखित परीक्षा की बात आती है, द्वितीय भाग की बात आती है, ठीक है। किसकी बात आती है, द्वितीय भाग की बात आ जाती है। अब देखते हैं इसमें, लिखित परीक्षा में देखें क्या आता है। तो लिखित परीक्षा में बात करें हम लोग, एक सेकेंड, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है, हाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट। हाँ, अब देखिए लिखित परीक्षा कहाँ गया आपका। हाँ, लिखित परीक्षा में ये है आपके चार पोर्शन में आ रहा है। देखो 25 क्वेश्चन तो आपके किसके आएंगे, सामान्य अध्ययन के आएंगे, फिर रीजनिंग के आएंगे 45 क्वेश्चन और हिंदी के 65 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 65 क्वेश्चन, तो टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन की ये परीक्षा रहेगी। कंप्यूटर जो टाइप कंप्यूटर टेस्ट रहेगा उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसी के नंबर के बेस के आधार पर आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्लियरली लिखा है तृतीय भाग में क्या होगा, आपकी टंकण होगी, देखो हिंदी आशु लेखन होगा और टंकण होगा, ठीक है। 3 गुने लोग बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुने लोग जरूर बुलाए जाएंगे कम से कम, ठीक है। आशु लेखन के और हिंदी टाइपिंग का वही मैंने बताया कि 5 मिनट की ये परीक्षा रहेगी। आगे देखिए, हाँ फॉन्ट जरूरी है, फॉन्ट हिंदी टाइपिंग का कौन सा रहेगा, कुर्तिदेव 10 या फिर कुर्तिदेव 16 रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं बता रहा हूँ, आशु लेखन के लिए 60 वर्ड पर मिनट और हिंदी टंकण के लिए 30 वर्ड पर मिनट की वो चाहिए आपको, स्पीड चाहिए, ठीक है। 200 नंबर की जो परीक्षा रहेगी उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ये बस केवल क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर वाला और एक ये वाला हिंदी टाइपिंग और आशु लेखन। जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 1/1/2021 को माना जाएगा, 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष, ठीक है। आपकी बात आ जाती है कि जो छूट मिलेगी वो एससी एसटी ओबीसी और ओबीसी को मिलेगी, एसटी एसटी और ओबीसी को मिलेगी, वो कितने साल की मिलेगी, 5 साल की मिलेगी, और विकलांगजन के लिए 15 वर्ष की छूट रहेगी। आगे चलते हैं हम लोग, डिटेल नोटिफिकेशन आप फिर भी पढ़ लेना, मैंने थोड़ा सा समझा दिया आपको। एससी एसटी के लिए जो फीस रहेगी वो 826 रहेगी और यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो फीस रहेगी 1180 रुपए रहेगी,
और विकलांग जन के लिए आपकी 12 रुपए फीस रहेगी। आप अप्लाई किस पर जाके कर सकते हैं, UPPCL की साइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सब बताई दिया, प्रवेश पत्र आपके इसी साइट पर ही आएंगे, आपको ये जैसा कि पता है। SMS के द्वारा भी आपको इन्फॉर्मेशन किया जाएगा, आपका जो नंबर रहेगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या बात है, आपकी जो लास्ट डेट है इसमें 25 अक्टूबर 2021 है, और अगर आप चालान के थ्रू फीस जमा करते हैं तो 27 अक्टूबर 2021 तक आप फीस जमा कर सकते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं। और इसका जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा दिसंबर 2021 में होगा, फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। चलिए, यही इसका डिटेल नोटिफिकेशन था, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इस जॉब में अप्लाई कीजिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।